तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का होना, आई फील। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों के लिए भी है, जो जिम जाना शुरू करता है वो अपने अर्ली स्टेज पे क्या वो मिस्टेक्स करता है, क्योंकि मेरा जो जिम ब्रो जो मेरे साथ आता है ड्रोन, बट कोई बेसिक गलतियां जो शायद उसने भी करी, जिसकी वजह से खैर के लिए आपको एक हफ्ता तो मेरे को लग नहीं जा पाएगा क्योंकि उसने हमने थोड़ा शोल्डर इंजर कर लिया। इसके अंदर अनाउंसमेंट होने वाली है विंग्स ऑफ फायर पार्ट टू, उसकी कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, छोड़ दे। ड्रोन वाला सीन हो जाता अभी, पर टाइम पे कवर कर लिया भाई। अबे मेरा वो जो दोस्त नहीं आता जिसने शोल्डर अपना, बताता हूँ। सबसे बड़ी जिम में मिस्टेक्स आई फील जो कोई भी करता है वो यही है कि गलत फॉर्म में एक्सरसाइज करना। और सबसे बड़े प्रॉब्लम है कि जब उन्हें लगता है कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो वो एक्सरसाइज ओवरडू करना, 30-30 रेप लगाना एक एक्सरसाइज के, या फिर बेफालतू में हफ्ते में अपना वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ा देना कि उन्हें लगता है शायद ज़्यादा करने से ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। सही करने से, अच्छे क्वालिटी सेट्स करने से रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं। 10 रेप कितने अच्छे मारूँ, फेलियर तक अपने आपको ट्रेन करा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, जिस एक्सरसाइज से ड्रोन को इंजरी हुई, एक लड़का नया था जिम में, वो उसको कॉपी कर रहा था और मैंने जाके उसको सीधा रोक दिया। मैंने उसको यही समझाया कि भाई ये करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, पहले तो तू गलत कर रहा है और जो सही भी कर रहा था उसको इंजरी हो गई है ऑलरेडी, तो ये हरकत तो मत कर। तुझे अगर एक सही एक्सरसाइज पता है तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन मत कर। जहाँ तक बात है, मैंने ये भी नोटिस करा है कि लोग दूसरों को देख के जो वो कर रहे होते हैं वही करने लग जाते हैं, भले वो कुछ भी कर रहे हो, गलत कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ना उससे कुछ डेवलपमेंट होने वाली है, ना उससे कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाली है। हर चीज़ एक फिटनेस जर्नी में आई गेस बहुत इंटरलेटेड है, क्योंकि अगर एक जिम के अंदर आप सभी नोटिस करो कि लोग अपनी प्रोग्रेस हमेशा बहुत कंपेयर करते हैं कि आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो कोई ये नहीं नोटिस करेगा कि मैंने कितने दिन लगाए या कितना एफर्ट लगाया यहाँ पे आने के लिए। रादर सब सोचेंगे कि मुझे भी वहाँ पहुँचना है, बहुत जल्दी पहुँचना है, क्योंकि पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो आज के डेट में बहुत कम हो गया, ख़त्म हो गया लोगों के अंदर। कई लोग शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं बॉडी बनाने के लिए, वो चीज़ें भी इवेंचुअली बहुत हार्म करने वाली हैं। इसलिए कभी भी किसी की प्रोग्रेस से कंपैरिजन करके ऐसी चीज़ें करना कि रेस्ट डेज प्रॉपर ना लेना, ये भी हार्म करता है। तभी मैं कह रहा हूँ हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है, कड़ी से कड़ी अगर मिलाए हमको, क्योंकि जो रेस्ट डे भी प्रॉपर नहीं ले रहा उसको फिर इवेंचुअली इफेक्ट पड़ेगा, उसकी बॉडी फटीग होगी और इन चीज़ों का इफेक्ट फिर मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। और जिसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, और फिटनेस एक ऐसी चीज़ है, हाँ वो मेंटल हेल्थ इंप्रूव भी करती है बट वो मेंटल हेल्थ इफेक्ट भी करती है, डिपेंड करता है आपका पर्सपेक्टिव कैसा है। अब पता है दिक्कत क्या है, अब जैसे वो है ड्रोन जो मेरे साथ आता है, उसको लगी क्यों है? तू एक बात बता, कितने टाइम से जिम कर रहा है? 4 साल। 4 साल हो गए। अगर तुमको चेस्ट की 10 एक्सरसाइज आती है तो फिर भी अगर तू हफ्ते में 2 दिन चेस्ट मारता है तो तू 10 की 10 अलग करता है? नहीं, तूने वही एक स्प्लिट बनाया जो तू एक्सरसाइज करता है तू वही करेगा क्योंकि वो तुझे सूट करती है। अगर उस दिन भाई का शोल्डर गया है उसका रीजन ही यही है। अगर तुझे रेयर डेल्ट की एक्स्ट्रा कोई करनी है कितनी करेगा उसको? ऑलरेडी 6 आती है, 6 एक्सरसाइज रेयर डेल्ट की। और फिर भी तुम किसी बंदे को देख रहे हो इंस्टाग्राम में किसी पे कि कोई कुछ कर रहा है, भाई हर चीज़ हर बंदे के लिए वर्कआउट तो पहले करती नहीं। किसी के लिए PPL फॉलो करे मतलब तो उसके लिए वर्क कर रहा है, किसी के लिए भाई ग्रो स्प्लिट फॉलो करना वर्क करता है। आधी प्रॉब्लम्स मुझे लगता है पानी ज़्यादा पीने से सॉल्व हो जाती है, तो हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, वार्म अप ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग ज़रूरी है और बेसिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग करना हमेशा से बहुत ज़रूरी रहा है। आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपके बेस स्ट्रॉन्ग है ना तभी तो आपकी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगी। सोचने वाली बात है कि अगर आपका बेस ही ख़राब है, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पुल अप पुशअप जैसी चीज़ें बेसिक चीज़ें नहीं आती और वो जिम में आकर फिर ऐसी एक्सरसाइजेस लगा रहे हैं
और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी बॉडी बहुत अच्छी बहुत जल्दी बन जाएगी। पहले आप अपना बॉडी वेट उठाना सीखो, पुशअप सीखो, पुलअप सीखो और उनको एक्सेल करो। 5 मारते हो, फिर 10 करो, फिर 15 करो, फिर 20 करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब तुम्हें से शूट कर रहा है ना, तुम उससे ही वो रिजल्ट ले आओगे, रादर तुम 10 एक्स्ट्रा चीजें करो, क्योंकि तुम अपने आप को एक तरीके से रिस्क ही कर रहे हो। एक एक्सरसाइज करके आर्नोल्ड तो नहीं बन जाता, लेकिन एक हफ्ते का गैप तो आ गया। बट अगर चेंज करना भी है, जैसे रॉड ले रहे हो, डंबल से शुरू कर दो, पोजीशन वही रहेगी। पहले भाई मेन होते हैं फॉर्म किसी भी एक्सरसाइज में। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो सबको पता है कि डाइट है, जिस पर मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ अपनी वीडियोस में। हमेशा ट्रैक रखना अपनी प्रोग्रेस का और कंसिस्टेंट रहना जिम में, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम सही ट्रैक पर हो नहीं हो। और आफ्टरऑल कौन सा होता है एफर्ट्स बेस्ड। 5 महीने में 30 किलो कम करने के बाद, 3 महीने अपना वेट मेंटेन करने के बाद इस कट फेस पे जाना कि एक बार पूरा फिर से ऑल इन हो जाऊँ जो मैं पहले हो रखा था। फिर मैंने खुद को टाइम दिया कि चलो वेट मेंटेन करके देखते गए, फिर से फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा कि फिर बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाए, बट वो चीज़ नहीं हुई। और मैं हर चीज़ वो करता रहा जो मैं करता आ रहा था। थोड़ा सा डाइट पे मैंने वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करा कि कई वो चीज़ें जो मैं नहीं खाता मैंने खाई, बट आई फील अब यही टाइम है कि एक बार अच्छे से बर्थडे पे अपनी बेस्ट फिजिक लेके एक अच्छा सा फोटोशूट भी प्लान करा जाए शायद उस दिन पे। तो उसके लिए कुछ सोचा है, बहुत बढ़िया है। पिछली बार एवरीडे फिल्म नहीं करा था सारा, कितना मेहनत करी थी, क्या करा था ताकि लोग इस बार ज़्यादा रिलेट कर पाएँ शायद, या फिर बिल्कुल ही ऐसे एक्सपीरियंस कर पाएँ जो मैं एक बार एक्सपीरियंस कर सकूँ। तो कुछ है डिफरेंट, बस सब फटाफट मैं एक बार टी शर्ट पहन लूँ, फिर बैठ के अच्छे से समझाता हूँ कि क्या प्लान करा है, कैसे होने वाला है ये 60 डेज एब्स आउट चैलेंज। अब वो चीज़ है जो नेक्स्ट मैंने सोची है जो होने वाली है, और पर्टिकुलरली इसके अंदर होने क्या वाला है 60 डेज इसलिए क्योंकि 24 अप्रैल लास्ट वो डे होगा जिस दिन मैं बाहर खाने जाऊंगा अपने घर वालों के साथ, और उसके बाद सीधा 24 जून मेरा बर्थडे। 2 महीने का डॉट गैप है दोनों के अंदर, और हमारी बेस्ट बर्थडे फिजिक एवर अगर हमें वो अचीव करनी है तो मेरे हिसाब से हमें ये चैलेंज, ये बहुत परफेक्ट टाइम है शुरू करने के लिए। और 60 डेज एक बहुत चैलेंजिंग टाइम भी रहने वाला है, क्योंकि पिछले 3 महीने से शायद मैं 80 किलो पे ही अपना वेट मेंटेन करता जा रहा हूँ। तो अगर मैं शायद 90 डेज पे कर लेता तो काफ़ी इजीली हम अचीव कर लेते, बट ठीक है काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन इंप्रूव हुई है और थोड़ा क्योंकि मुश्किल होगा इसलिए ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसके अंदर हर दिन का एक शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर मेरा पूरा दिन कैसा जाता है, जब मैं एक पर्टिकुलर कट फेस फॉलो कर रहा हूँ और उसके अंदर मेरे क्या चेंजेस रहेंगे और कैसे मैं उसको सस्टेन करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी एक्सट्रीम रहने वाला है नॉर्मल वाले से। तो 5 चीज़ें जिनमें डिवाइड होगा वो होगा कार्डियो, सेकेंड होगा उसके अंदर जिम, तीसरा होगा उसके अंदर डाइट, चौथा होगा लर्निंग समथिंग न्यू, और पांचवा होगा रिलैक्सेशन। और इन सब चीज़ों के दो दो सब सेक्शन हैं कि कार्डियो एक तो मॉर्निंग रूटीन और एक नाइट रूटीन, क्योंकि मैं एक बार में अपना 20 के स्टेप्स डेली वाला काउंट पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें हमने टारगेट रखा है कि हम हर दिन 20,000 स्टेप करेंगे और मैं 10,000 स्टेप करता था अपने प्रीवियस कट फेज पर हर दिन, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है ये उसके कंपेरिजन में। मॉर्निंग कार्डियो 1 पॉइंट, रात की कार्डियो 1 पॉइंट, डाइट के अंदर 2 सेक्शंस हैं, एक स्टिकिंग टू द डाइट द होल डे, कोई चीट मील नहीं लेना, कुछ नहीं करना, उसका 1 पॉइंट, और वाटर इनटेक पूरा करना उसका 1 पॉइंट। तो फिर से 2 पॉइंट हो गए, अभी तक 4 पॉइंट हो गए हैं। अब इसके बाद 2 पॉइंट और हैं, वो 2 पॉइंट है जिम के, क्योंकि मैं एक डबल बॉडी पार्ट स्प्लिट फॉलो करता हूँ। अगर मैं चेस्ट राइज से बात कर रहा हूँ, चेस्ट अगर मेरी बहुत अच्छे से हुई है तो 1 पॉइंट, ट्राइसेप भी बहुत अच्छे से हुई है तो 1 पॉइंट, टोटल फिर से बनेंगे 2 पॉइंट। और जो चीज़ कहीं इनकम्प्लीट रह जाएगी या जो नहीं हो पाएगी उसके बेसिस पे पॉइंट्स कम होते जाएंगे, उस बेसिस पे हम डे को अपने आउट ऑफ 10 रेट करेंगे। लर्निंग समथिंग न्यू में ऑब्वियसली जो ट्रेनिंग रूटीन है उसके अंदर एक नई चीज़ सीखना, और जहाँ तक बात है ज़िंदगी के अंदर मेरे को लगता है क्योंकि एक मेंटल एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है फिटनेस का, फिजिकल एस्पेक्ट के साथ साथ, क्योंकि इसी रीज़न से जैसे हमने हार्ट्स ओवर मैटर शुरू करा था, तो हम ऑलमोस्ट हर दिन मेरे को लगता है कि शायद कोई नई चीज़ ज़िंदगी में भी सीख पाएंगे, कोई वैल्यू या कोई अच्छी चीज़ जो हम अपने साथ आगे तक एंड तक ले जा पाए और शायद आपको भी सिखा पाए हर दिन। और आखिरी चीज़ जिस पर हमारा डे डिवाइडेड रहेगा वो होगी रिलैक्सेशन, 7 से 8 घंटे की स्लीप हर दिन, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा
वेट लॉस जर्नी एग्जीक्यूट करने के लिए, और साथ ही साथ अगर हर दिन जो हमें शायद एक तरीके से स्ट्रेस ना हो, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा मेंटली ड्रेनिंग रूटीन होने वाला है ये जिसको फॉलो करना है हमें, तो उसको हम स्ट्रेस को कैसे टैकल करेंगे उसका हर दिन का एक पॉइंट होगा कि हम क्या वेज आउट निकाल सकते हैं जब हम एक कट फेस पे हैं। जो गलतियां मैं नहीं करूंगा या जो गलतियां मुझसे होंगी उनसे आप या तो सीख सकते हो या तो उनसे आप समझ सकते हो कि क्या मैंने करा और कैसे मैंने करा, ताकि आपको अल्टीमेटली बहुत हेल्प हो इस चीज़ से। चैलेंज कैसा रहने वाला है, कितना मुश्किल होने वाला है, सब इवेंचुअली पता लग जाएगा इन 60 दिनों में। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, इसने कुछ ना कुछ कोई ना कोई वैल्यू आपकी लाइफ में जरूर प्रोवाइड करी होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, डू कमेंट ऑन दिस एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और बस अब तब तक के लिए